हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं TS लॉ सिटी के बारे में, क्या होती है, किस तरीके से क्या करने थे, कितनी एलिजिबिलिटी, कितनी प्रोसेस, क्या क्या सारी चीज़ें, एडमिशन प्रोसेसर है क्या क्या, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है TS लॉ सिटी के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे वो गूगल ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, वहाँ पर आपको टाइप करना है TS लॉ सिटी 2022, यहाँ पर टाइप करके फिर IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव साइट है जहाँ पर आपको TS लॉ सिटी के रिलेटेड सारे अपडेट मिलते हैं, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी, सिंपल है। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करनी होगी। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन होता है, यहाँ पर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म होती है, एग्ज़ाम डेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंस रहते हैं जो, और एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या देखनी पड़ती है, एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं, फिर सिलेबस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। सामने आपके फॉर्म है, यहाँ पर आपका नाम क्या, अपना नाम लिख दीजिए, आपका ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेना, बहुत इजी है। आपका ईमेल आईडी जो भी होगा टाइप करने के बाद, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लेना, कौन से स्टेट के, स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ओके तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी सिटी है वो सिटी को भी सेलेक्ट कर लेना है। फिर सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में जो है इंटरेस्ट है उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी जो है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन विच व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या करना है आपको, गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया उसके थ्रू और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आता रहेगा, तो गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, इसी तरीके से आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो TS लॉ सिटी जो है इसको कौन से नाम से जाना जाता है, तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। ओके, फिर यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम होता है हर साल होता है, ऑफिशियली ऑथराइज चाहिए, और ऑफिशियली जो रिप्रेजेंटेटिव हु रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑर्गेनाइज TS लॉ सिटी का, यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है लोकेटेड है हैदराबाद में। ठीक है, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद विल बी कंडक्टेड इन TS लॉ सिटी से जो है कंडक्टेड है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है बिहाफ ऑफ तेलंगाना के है काउंसलिंग हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, हायर एजुकेशन का तेलंगाना स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफिशियली रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज जो है एडमिशन प्रोसेस, इसका एम क्या, एडमिशन प्रोसेस का मतलब इसके साथ साथ इसका एम है कि एडमिशन कराना जो बच्चे इस चीज़ के लायक है। ठीक है, इन 2-3 ईयर्स और रेगुलर LLB और 5 ईयर्स का जो रेगुलर LLB डिग्रीज कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं इन वेरियस यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज इन लोकेटेड इन स्टेट में, सिर्फ स्टेट का। ठीक है, उसी स्टेट का जो तेलंगाना है उसी स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज में, किस में भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके एडमिशन प्रोसेस होते हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, एप्लीकेशन जो फॉर्म होते हैं, एप्लीकेशन फीस होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, एडमिट कार्ड होते हैं, रिजल्ट होते हैं, एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, मेरिट लिस्ट होती है, काउंसलिंग होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आगे सब कुछ बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया यहाँ पर, तो कैसे देखना है इंपॉर्टेंट इवेंट, यहाँ पर देख सकते हैं डेट्स, देख सकते हैं इवेंट जो यहाँ पर लिखा हो कि अनाउंस ऑफ द नोटिफिकेशन मार्च, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि मार्च में होगा तभी जाके आप करना है, फिर सबमिट कभी करेंगे अप्रैल में होगा, और फिर अगर आपने लेट किया तो इतना पैसा लगेगा। ठीक है, इतना पैसा लगेगा यहाँ पे बताया गया, तो पैसा का लास्ट डेट का भी वो बताया गया है, फिर इसका जो लास्ट डेट का भी बताया गया, तो आपको इसी तरह करना। ओपनिंग ऑफ द करेक्शन विंडो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कभी होगा ओपन, और फिर एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ होगा मई में होगा, एग्ज़ाम कभी होगा मई में होगा, आंसर की कभी रिलीज़ होगा, फिर रिजल्ट अगेन आंसर की कभी ऑब्जेक्शन वाला आएगा, फिर आंसर की जो रिजल्ट वाला फाइनल आंसर की कभी आएगा, तो वो सब कुछ यहाँ पे बताएगा। इसी तरीके से आपको देखना कौन से डेट को क्या आने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कैसे क्या करने होते हैं, किस तरीके से करने होते हैं, बहुत ईजी है, मैं जिस तरह बताऊँगा उस तरीके से देखने इसमें कैसे अप्लाई करने। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आएंगे तो
क्या लिखा है, एप्लीकेशन। ओके तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये ऑनलाइन मोड से आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसमें काफ़ी प्रोसेस होते हैं, उसमें आपका फिल करना होता है, क्या आपका नाम क्या है, आपका पर्सनल डिटेल्स देना पड़ता है, आपका आधार कार्ड वगैरह, फैमिली डिटेल्स, आपके एड्रेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपके स्कैन के लिए सिग्नेचर्स और फोटोग्राफ्स, और फिर उसका डिक्लेरेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन का फीस जो है पे करना पड़ता है। तो कैसे पे करेंगे, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना है, यहाँ पर बताया गया है, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 800 जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, उतना है, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 है। तो इस तरीके से आपको पे करना है। फिर कैसे पे करेंगे, ऑनलाइन मोड से भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं, बहुत ईजी। ओके फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आपकी की क्या पूछी जाती है यहाँ पे, कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी डोमिसाइल से सर्टिफिकेट कहाँ की होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मार्क्स एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कितनी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज। तो इसी तरीके से आपको करनी है, क्या करनी है, यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन सिटीजन है तब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो परमानेंटली आपका आंध्र प्रदेश से होना चाहिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेगा, मतलब आंध्र प्रदेश से अगर रहेगा आपका, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, मतलब जहाँ आप रहते हैं वहाँ का परमानेंटली आपका होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तब एडमिशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका नीचे यहाँ पे दिया गया है कि 3 ईयर्स का जो आपका LLB कोर्स होता है ये आपका कंप्लीट रहना चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री ग्रेजुएशन 10+2+3 15 का जो यहाँ पे आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर 5 ईयर्स का LLB कोर्स जो होता है आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए उसके साथ ही साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपके कितने, तो कैसे देखने, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45% आपको लाने होंगे, उससे कम लाएंगे तो नहीं हो पाएगा एडमिशन, और उससे ज़्यादा लाएंगे तो ले सकते हैं एडमिशन। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको 40% से यहाँ पे आपको मिलेंगे मार्क्स, ठीक है, मतलब उतने परसेंट आपके रहने चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो है क्वालिफाइड होने से एग्ज़ाम कम्प्लीटेड आपका रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि TS लॉ जो एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है कैसे क्या करने हैं, देखें मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस पे होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना होगा ऑनलाइन मोड। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम का यहाँ पे देख सकते हैं 90 मिनट्स टाइमिंग है आपके पास एग्ज़ाम देने का, और लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम देख सकते हैं कि इन इंग्लिश एज वेल एज तेलुगु एंड उर्दू लैंग्वेज द एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय द ऑफिशियल ऑथराइज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, ठीक है, तो कितने 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 120 मार्क्स के लिए, कौन से क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मार्किंग स्कीम आपको देख सकते हैं 1 मार्क्स मिलेगा अगर एक करेक्ट आंसर रहा तो। फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, इनकरेक्ट भी रहा तो भी नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट, ठीक है, अगर गलत रहा तो एक भी मार्क्स माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट थ्री, तो सब्जेक्ट बताया गया है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताया गया है, मैक्सिमम जो है मार्क्स बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है सबके सिलेबस कैसे देखने हैं, फिर जनरल नॉलेज का जो सिलेबस बताया गया है ये सारे आपके सिलेबस में आएंगे, ये सारे सिलेबस में आपको क्लियर करने, करंट अफेयर यहाँ पे बताया गया इसका भी करना पड़ेगा, तो ये टॉपिक्स दिए गए, इसी टॉपिक्स को रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है आपकी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, फिर यहाँ पे इसी तरीके से आपको जो पब्लिक लॉ, लेबर लॉ सब कुछ यहाँ बताया गया, इस तरीके से आपकी इस टॉपिक्स को इजी जो स्टडी कर लेनी। फिर प्रिपेयर कैसे करने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए अब प्रॉपर प्रिपेयर टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा प्रॉपर आपके लिए, मतलब बेस्ट टाइम रहे उस टाइम पर आप पढ़ते हैं, फिर ग्रेट हेल्प आपको करता है वो, ठीक है, आपको अच्छी स्टडी वही दिला पाएगा जो आप जिस स्टडी पे आप, मतलब जो जिस किसी भी टाइम पे आप पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेंट शुड हैव टू गो सम गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि कौन से टाइम पे मैं अपनी स्टडी करूँ, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज अबाउट पेपर के बारे में आपको, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में आपको कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए कैसे क्या करना था, क्योंकि यही आपकी स्टडी में 30% कम से कम हेल्प कर सकते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे
एग्ज़ाम पैटर्न आपको मालूम होनी चाहिए, सिलेबस मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या आने वाले हैं आपके सिलेबस में, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं ना इजीली। अभी जो कट है तो कैसे पढ़े, पढ़ लेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर सिलेबस में जो आ रहे हैं उसको आप पढ़ते तो फ़ायदा है। ठीक है, सम गुड स्टडी मटेरियल्स शुड बी कलेक्टेड इन बाय दी एप्लीकेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, तो कुछ जो है कुछ स्टडी के लिए मटेरियल्स आपको कलेक्ट करने होंगे, जो जैसे कि आपका पेन हुआ, टेक्स्ट बुक हुआ, 21 गाइड वगैरह, हर एक चीज़ होते हैं ना आपके एग्ज़ाम में जो मदद करते हैं, हेल्प करेंगे वैसे ऐसे। फिर हफ्ते सप्ताह हर वीक आपको स्टडी करते रहने हैं, और गुड फटाफट जो है आपको रिवाइज करते रहना, पास्ट लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और शॉर्ट नोट बनाने जिसमें आपको ईजी और हार्ड फॉर्मूलास आपको उसमें टाइप करने हैं, फिर लिखने हैं उसको, फिर रिवाइज करने के लिए ईजी पड़ता है इसके लिए। फिर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलता है, एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आपको जो है तेलंगाना का लॉ सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ हो चुका है, आप जब डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना, तब अपना एग्ज़ाम जो है दे पाएंगे आप। आंसर की कहाँ से मिलता है, मतलब डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड का। फिर नेक्स्ट जो आपका आंसर की, आंसर की का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, इसके बाद तेलंगाना कला सिटी का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम वाला ऑनलाइन मोड से आप जो है इसका नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है, कि आप जो है से आप क्या कर सकते हैं कि आपका आंसर की रिलीज़ हो चुका है, तो आप देख ले सकते हैं यहाँ से कि क्या क्या हुआ, कैसे कितने कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर राइट थे, तो आपने क्या लिखा था। ठीक है, फिर रिज़ल्ट उसके बाद जो है डिक्लेयर हो जाता है, आप उधर रिज़ल्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने मिल जाएगा, वही सब देख सकते हैं, आपको लॉगिन करके देखना होगा। फिर मेरिट लिस्ट आपको जो है रिलीज़ होता है, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में तेलंगाना लॉ सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको मेरिट लिस्ट भी देखने मिल जाएगा। काउंसलिंग भी आपको वहीं से मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं से सारी काउंसलिंग की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ वहीं पर मिलती है कि कैसे क्या करने होते हैं, किस तरीके से करने होते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर दी वेरीफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10th का 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर आपकी लाइफ में आने वाले कैरियर्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें करनी है आपको, आपको अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एंड इस लाइक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।